रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम प्रेजेंट्स सोच रहे थे तो ये टाइटल आया उदय शंकर जी से जो स्टार के हेड हैं पूरे नेटवर्क के हेड हैं उन्होंने कहा कि इसका टाइटल अगर सत्य में जयते रहे तो कैसा होगा ये हिंदुस्तान का हमारा मोटो है वी रियली लाइक द आइडिया एंड वी वेंट विद इट क्योंकि ये सिर्फ एक मोनोलॉग नहीं है मेरी तरफ से ये शो ये मैं चाहता हूँ कि ये डायलॉग बने और लोग इसके बाद जो उनके दिल में ख्याल हों जो विचार हों वो मुझे बताएं वो मुझ तक पहुँचे और जब हम सब इस चीजों के बारे में बातचीत करेंगे तो इससे और भी चीजें बाहर निकलेंगी कि हम इसके साथ एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली क्या क्या कर सकते हैं. इन्फेंटिसाइड होता है जब पहले जमाने में जब बच्चियां पैदा होती थी तो पैदा होने के बाद फीमेल फीटिसाइड उसके बाद शुरू हुआ क्योंकि लोगों को ये एहसास हुआ कि जो पेट में बच्चा पल रहा है अगर हम उसका पता लगा लें कि ये लड़का है या लड़की तो पेट में ही हम इसको खत्म कर सकते हैं. हमको ये बहुत ही एक अहम मुद्दा इसलिए लगता है क्योंकि ये मदरहुड से जुड़ा हुआ है. हम माँ के पेट से पैदा होते हैं तो इंसानियत की शुरुआत ही वहाँ से होती है. तो लिहाजा हमको लगा कि ये माँ से जुड़ा हुआ जो बहुत ख़ास मुद्दा है इससे हम शुरुआत करें. एक्चुअली शो पे डॉक्टर बेदी ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में ये शुरू हुआ. दो डॉक्टर्स थे जिन्होंने रिपोर्ट लिखी. उनका ये ख्याल था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो है लड़कियों को हम गिरा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ में 6-8 बच्चे होते हैं क्योंकि हर फैमिली में कम से कम 2 लड़के चाहिए. बच्चों के चक्कर में 6-8 लड़कियां पैदा हो जाती हैं तो ये लड़कियां वैसे भी किसी को नहीं चाहिए ये उनका ख्याल था. वेल एक्चुअली मैं अपने आप को बदलना चाह रहा हूँ कि मैं ये जो जर्नी पर निकला हूँ समझने के लिए अपने देश को उससे मुझ में बदलाव आ रहा है. देखिए मैं आपको नहीं बदल सकता मैं किसी और को नहीं बदल सकता मैं अपने आप को बदल सकता हूँ. हमने जो ढूंढा है अगर वो सामने हम आपके ला रहे हैं तो उसको देखकर उसको महसूस करके अगर आप भी बदलना चाहें तो ये एक वेलकम चेंज होगा. ये इतना एक जज्बाती सफ़र रहा है हम लोगों के लिए कि जो रिएक्शंस जब आने शुरू हुए ऑडियंसिस के ट्विटर पे फेसबुक पे वी वर सो हैप्पी वी वर सो थ्रिल्ड और मुझे इतनी खुशी हुई कि हम वाकई दिलों के लोगों के दिलों तक पहुंच पाए. और जिस तरह से लोगों का प्यार आया जिस तरह से उनका रिएक्शन आया इट वाज अनबिलीवेबल. बेसिकली हम सब में इतने जज्बात हैं वी ऑल वांट द राइट थिंग. कभी कभी हम कहीं बहक जाते हैं. यूट्यूब पे एक जेंटलमैन ने बोला भेजा है कि मेरी पत्नी के पेट में बच्ची है मैं उस पर प्रेशर डाल रहा था कि आप इसको गिराएं ये बच्ची है. मैंने आपका शो देखा मैंने उससे माफ़ी मांगी और मैंने उसको बोला कि बच्ची है लड़की हमको लड़की ही चाहिए कोई टेंशन नहीं. एक्चुअली अम्मी जो है वो इस वक्त पूना में है निखत के साथ मेरी जो बड़ी बहन है निखत वहाँ तो उन्होंने शो वहाँ देखा और वहाँ से निखत ने मुझे SMS करके भेजा कि अम्मी आपको मैसेज दे रही है आमिर से कहो कि दिल पे भी लगी और बात भी बने क्योंकि हमारा वो कैंपेन का लाइन था जब दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी. एक्चुअली मैं हूँ एंटरटेनर. ये मुझे एक अमेरिकी राइटर ने मुझे बताया पिछले कुछ महीनों में मिला था तो शी सेड के जो एंटरटेनर होता है वो सिर्फ आपको हंसाता नहीं सिर्फ रुलाता नहीं है सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करता बल्कि वो एक बहुत अहम चीज़ करता है. वो सोशल फैब्रिक बनाता है समाज का. उसमें मैं वो इट्स अ सस्पेंस ड्रामा जिसमें कि ये एक पुलिस अफसर की कहानी है जो केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और बड़ी अच्छी कहानी है बड़ी जज्बाती कहानी है एंड बहुत वक्त के बाद एक सस्पेंस फिल्म आ रही है. सो दैट्स कमिंग आउट ऑन 30th November. दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि देश भर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस समस्या से इस वक्त गुजर रहे होंगे. बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इस वक्त गर्भवती हैं वो प्रेगनेंट हैं वो हैविंग अ बेबी वो उन पर शायद कभी प्रेशर डाल रहे होंगे इन लॉज या फैमिली वाले या हस्बैंड. उनको ये शो देख के लगा होगा कि यार हम गलत कर रहे हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें SMS हमको आ रही हैं हमारे वेबसाइट पे लोग आके हमें ये बता रहे हैं ट्विटर पे बता रहे हैं. तो मैं चाहूँगा कि रेडियो मिर्ची के लिसनर्स भी
जहां जहां उनको ये लगे कि यार मैं ऐसा करने जा रहा था लेकिन आपका शो देख के मैंने नहीं किया और हमारा माइंड चेंज हुआ है, मैं ये सारी चीजें सुनना चाहूंगा। दूसरा ये कि जो SMS हमने शो में, मुझे कई लोगों ने कहा कि वो नंबर आपने बड़ा जल्दी बोल दिया, कि अगर हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं उस संस्था को, हेल्प करना चाह रहे हैं, तो वो नंबर आप दोहराइए। ये नंबर है 5782711, 5782711। इस पे आप जो SMS भेजेंगे वो 1 रुपए का होगा और सारी रकम टैक्सेस काटने के बाद उस संस्था को जाएगी।